हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इंडिविजुअल सीरीज़ के, क्योंकि मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको इसके फॉर्मूले बताए थे डेसाइल के। देखिए स्टूडेंट्स, डेसाइल में हमको निकालना क्या है, फाइंड आउट D7 एंड D8 फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, यानी कि स्पेसिफिक हमको बता दिया कि केवल D7 और D8 ही निकालना है, ठीक है, और बाकी हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मूले याद नहीं है तो आप प्रीवियस वाले लेक्चर में देख ले, ये फार्मूले मैंने बहुत अच्छे से आपको बताए थे, है ना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए पहली बात, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, कोई भी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ हो, सबसे पहले उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएँ। तो मैं यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहला कौन सा है, 1 है तो 1 लिख दिया, उसके बाद 2 है, उसके बाद में 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और 6 है। इसका सीरियल नंबर भी लिख लें, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एज इट इज़। वैसे वैसे नंबर दिए हैं इसलिए यही आ गया, ठीक। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सीरियल नंबर वही एक्स हमको गिवन है और सीरियल नंबर 1 से लगा कर हम लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा फार्मूला D7 का, D7 इज इक्वल टू 7n+1/10। तो ये 7n कितना है, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, 6 6+1/10। 6+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 7 का मल्टीप्लाई करें, 49/10, तो ये हो जाएगा 4.9, है ना, 4.9। एक बात ध्यान रखना, ये क्या हो गया, 4.9th वैल्यू। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी समझना है कि 4.9th मतलब 4.9 हमारा D7 नहीं है, 4.9th वैल्यू है। तो 4.9 ये 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है, तो ये दोनों के बीच में हमारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका होता है एक सिंपल सा फार्मूला, जब भी ऐसे पॉइंट में वैल्यू आ जाए तो कैसे निकालेंगे, फोर्थ वैल्यू प्लस कितना ज़्यादा है वो लिख दीजिए, 0.9, है ना, ब्रैकेट में किसके बीच में आ रहा है, 5th वैल्यू - 4th वैल्यू, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो 4th वैल्यू कौन सी है, देखिए 4th वैल्यू 4 है, 4 + 0.9, 5th वैल्यू कौन सी, 5, और 4th वैल्यू 4 ही है, 4 + 0.9, और इनको माइनस करेंगे तो इनटू 1 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.9 ही आएगा, और इसको करेंगे तो 4.9 ही होगा हमारा आंसर। ये इसलिए वही का वही आंसर आया है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा सीरीज़ दोनों सीरियल नंबर सीरीज़ सेम है, इसलिए ऐसा आंसर सेम आया है। बाकी मैं बोलूँ ये आंसर सेम आया तो ये जस्ट कोइंसिडेंट, ठीक है, एक इत्तफाक है, बाकी ऐसा हर बार नहीं होता है, ठीक है। सो ये D7 था, अभी हम निकालते हैं D8। D8 इज इक्वल टू 8n+1/10। तो यहाँ पर 6 रखेंगे, 6+1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 7 7 × 8 कर दिया, तो 56/10, तो ये हो गया 5.6, और ये 5.6 का भी हमको ऐसे ही करेंगे और आंसर तो ये आएगा, तो आंसर हमारा ये हो गया D7, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।